तो अगर आप भी अपना पैन कार्ड का नंबर पता करना चाहते हैं, अगर आपका पैन कार्ड कहीं खो गया है या कहीं गुम हो गया है, तो अगर आप उस पैन कार्ड का नंबर पता करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं और कैसे पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं फिर दोबारा, यही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और गाइस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टेक्स रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो गाइस जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, सिंपली उसी प्रोसेस को क्या करना है, फॉलो करना है। तो वैसे सबसे पहले एक पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए करना क्या है, अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। और जैसे अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आपको लिख के सर्च करना है इनकम टैक्स, बस इतना ही लिख के आपको सर्च करना है। तो इनकम टैक्स गवर्नमेंट डॉट इन का वेबसाइट जो है आ जाएगा। इस वेबसाइट को क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। जैसे इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो थोड़ा सा नीचे क्या करेंगे, आप लोग स्क्रॉल करेंगे। जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टेंट ई पैन, इंस्टेंट ई पैन पर क्लिक करेंगे। और इंस्टेंट ई पैन पर क्लिक करने के बाद आप यहां से जो है आप अपना पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नंबर जो है पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करने के लिए करना क्या है, जहां पे लोडिंग ले रहा है। और लोडिंग लेने के बाद ये वेबसाइट जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से खुल चुका है। खुलने के बाद गाइस सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, आपको अगर आपको डाउनलोड करना है पैन कार्ड तो यहाँ पर लिखा हुआ है चेक स्टेटस एंड डाउनलोड पैन, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना है, अगर आप इंस्टेंट पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो गेट न्यू ई पैन पे क्लिक करके यहाँ से बना सकते हैं। अगर आपका पैन कार्ड कहीं खो गया है तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और आपको सबसे पहले करना क्या, आपको आधार नंबर अपना एंटर करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अपना आधार नंबर जो यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ और देखते हैं कि खुलता है कि नहीं, ठीक है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके आधार नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को क्या कर लीजिएगा, फिल कर लीजिएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ओटीपी आ गया, ओटीपी को फिल कर ले। तो गाइस ओटीपी को फिल करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। और जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे देख सकते हो गाइस आपका पैन कार्ड जो है डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, यानी कि खुल चुका है। पैन अलॉटेड सक्सेसफुली लिख दिया। अगर आप अपने पैन कार्ड को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे व्यू ई पैन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप अपने पैन कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड ई पैन पे क्लिक करके अपने पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड जब करेंगे तो ओपन करेंगे तो एक पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पे पासवर्ड भी दिया हुआ है कि कौन सा आपके पासवर्ड है, ठीक है। तो पासवर्ड ये डाल के जो एंटर पासवर्ड है, ये नीचे वाला पासवर्ड डाल के जो है आप लोग ओपन कर लीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो व्यू ई पैन पे क्लिक करके और अपने पैन कार्ड को जो है देख सकते हैं। और गाइस ये पैन कार्ड तभी डाउनलोड होगा जब आप अपना इंस्टेंट पैन कार्ड जो है अप्लाई किए होंगे, बनाए होंगे, तब ये पैन कार्ड जो है डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा, सिंपली उसी प्रोसेस को आप फॉलो करके जो है पैन कार्ड नंबर पता कर सकते हैं और पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो मेरे आप लोग को अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।